रोल आ रहे हैं तो ये बड़े ही अच्छे एक्शन मोड और स्लो मोशन में आ रहे हैं। तो इनका घोड़ा तो बहुत ही अच्छा है, तो घोड़े से नीचे उतर रहे हैं। इन्होंने घोड़े को कहा कि सफर करो, मैं आता हूँ। तो हलीमा को देख रहे थे, हलीमा नहीं मिली इनको, हलीमा से मिलने आए थे। तो फ़ोन निकाला, फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया, वापस रख लिया। तो बड़े परेशान हो गए। तो फिर वापस घोड़े को कहा, तो फिर बैठे और दम 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 करके चले गए। तो उसके बाद अगले दिन दोबारा से आए और घोड़े से उतरे और देखा इधर इधर उधर देखा तो नहीं मिले। फिर बाहर बाहर से गए, तो बाहर लोगों से पूछने गए। तो गए तो काफ़ी लोगों से पूछा, इधर उधर गए। तो एक आदमी ने वहाँ से ही इनको बुला लिया था, तो वो भागे भागे उसकी तरफ चले गए। तो ये देखें जा रहे हैं, तो ये चले गए। तो उन्होंने बताया कि नवाल ने लीमा को अगवा किया है। तो फिर वो भागे भागे अंदर आए। तो नवाल कहता तुम्हारी वजह से ही इर्तरुल यहाँ पर आएगा और मैं उसकी संतुलन सारी छीन लूँगा, और मैंने सारा इंतजाम करके लिया है और अब उसको आने दे दो। लीमा कहती नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते इर्तरुल, इर्तरुल तुम ना। तो फिर वहाँ से इर्तरुल स्लो मोशन में अपनी एंट्री दिखाते हैं और भागे भागे आते हैं, हाथ में डंडा लेके आते हैं। तो वो पहले चीख मारते हैं और फिर उछलने लग जाते हैं, फिर घोड़े को चला मार देते हैं और फिर बहुत ही गुस्से में आके नवाल की ऐसी तैसी करने में टाइम थोड़ा लेते थे। नवाल भी बहुत गुस्से में आके उसने डंडा उठाया और वो भी चल पड़ा उसकी तरह। तो इर्तरुल ने बहुत मारा, उसके बाद धक्का दिया था का पाँव वाला, तो खुद भी नीचे गिर के पड़ा। उसको जो धक्का दिया उससे वो नीचे गिर के बेहोश हो गया। इसके बाद इर्तरुल ने कहा कि तुमने आज के बाद हार लगाया, तो फिर देखना। फिर हलीमा को खोला तो उनको कहा भाग जाओ, तो वो भागी। तो उसके बाद वो जाने लगे, तो आगे नवाल ने साजिश की, अभी तेल फेंका हुआ था। तो फिर हलीमा को बुला रहे थे, तो फिर हलीमा भागी भागी आई और खुद ही नीचे गिर गई। तो नीचे गिरने के बाद नवाल नाटक कर रहा था, वो फिर उठा, उसने आराम से डंडा उठाया। फिर वो तैयार हो गया अपनी साजिश पूरी करने में, और उसने डंडा उठा के आगे बढ़ने लगा कि इर्तरुल ने वही तेल उसके आगे भी गिरा दिया। तो वो भी आता आता नीचे गिर गया, अपनी साजिश में ही डूब गया। तो इर्तरुल भी वहाँ से चले गए। तो हलीमा को भी कहा कि आ जाओ चलें, तो हलीमा भी चले गई। तो इट इज द एंड। और अगर अच्छा लगा तो ये बताते द एंड। तो इसको बनाने में बहुत मुश्किल लगी मुझे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो मुझे बहुत ही मेहनत लगी इस पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और प्यार दें इस वीडियो को, क्योंकि मैं इसका थर्ड पार्ट भी लाऊंगा। तो ये था ईद स्पेशल पार्ट टू।